जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को पैदल गश्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत सिंगरौली एसपी मोहम्मद यूसुफ ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर लोगों में कानून का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश में डीजीपी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने सभी जिलों में पैदल मार्च निकाला। सिंगरौली में भी एसपी मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। पुलिस ने ये पैदल गश्त शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके बैठन से शुरू कर नवानगर तक की। इस दौरान पुलिस ने वाहनों की चेकिंग भी की और लोगों में कानून का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।